नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। प्रदेश में चौथी बार सत्ता में आने के लिए चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा का सोमवार से 3 दिवसीय मंथन शुरू हुआ। भोपाल में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह ने बैठक में प्रदेश संगठन द्वारा अब तक किए जा रहे कामों को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में सौदान सिंह ने कहा कि यह संगठन विस्तार का वर्ष है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पूर्णकालिक और विजय वृत्ति कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किसानों के हित में लिए गए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के लिए सीएम हेल्पलाइन में 24 घंटे किसानों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि अमित शाह के निर्देश पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह पार्टी के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर हो रही इस बैठक में 3 दिन तक बूथ लेवल के कामों की समीक्षा होगी। माननीय सौदान सिंह जी का मध्य प्रदेश में ये प्रवास, 3 दिवसीय प्रवास पर वो यहाँ आए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी एवं अन्य लोगों के साथ वो अलग अलग बैठकें करेंगे। संगठन की गतिशीलता बनी रहे इसकी चिंता करेंगे। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2018 में हम फिर सरकार बनाएं और 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में पुनः सरकार बने, इस दृष्टि से हमारे संगठन की गतिशीलता का ये एक कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंडल। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।